myself Vikas Sharma, and I'm living in this society for past 23 years, from 1994 July. Mere father were co-founder the. So we are somewhat emotionally attached with this society. It is a very close-knit society. Sab ek dusre ko jante hain. कोई भी फेस्टिवल हो, सुख दुख हो, सब हो, तो सब भी सेलिब्रेट और सब एक साथ रहते हैं. जनवरी के अंदर एक पेपर ऐड आया था, इसमें था एशियन पेंट्स की तरफ से डोनेट अ वॉल कॉन्टेस्ट. तो मैंने मैनेजमेंट कमेटी से बात करी कि ऐसे ऐसे ये ऐड है, तो दे सेड ओके, वी कैन गो अहेड. वन डे आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम एशियन पेंट्स मुंबई कि आर वॉल वॉज सेलेक्टेड. यहाँ के जो ओल्ड एज लोग हैं, उन लोगों ने काफ़ी मेहनत और लाइक बहुत कुछ करके ये पूरा कॉलोनी बिल्डअप किया है. इन आर सोसाइटी तो दे आर द पेरेंट्स आर वेरी ओल्ड एज, सो दे नाउ दे आर गिविंग दिस प्रॉपर्टी टू देयर चिल्ड्रंस. यही जो उनका पूरा यूनिटी है वो नेक्स्ट जनरेशन कैरी फॉरवर्ड करता है, और वो लोग वही तरीके से रहते हैं. We finalized this artwork where the old man is giving his house to his young generation as a legacy to take forward. It was like a very quick change in our mindset that suddenly our world was so changed. Like in a day when they did the base coat of the background, like our world started looking like it was like the world didn't even exist here. एशियन पेंट्स डोनेटा वॉल कॉन्टेस्ट है और इस तरीके से है, तो अगर वो बाहर निकल के आएगा, एक आम पब्लिक के बीच में आएगा, उसका इफेक्ट ज़्यादा रहेगा. थ्रू ये प्रोजेक्ट हमें लगता है कि काफ़ी सारा लोग जो आर्ट वर्क ज़्यादातर नहीं देख पाते, उन लोग को भी एक मौका मिलता है ऐसे के लिए पब्लिक आर्ट के थ्रू. आई थिंक हमारी सोसाइटी को एक आइडेंटिटी मिल गई है. अब हम बड़ा ईजिली एक लैंडमार्क क्रिएट कर सकते हैं और किसी को बता सकते हैं कि भाई साहब अगर आपको पहुँचना है तो आपको एक काफ़ी खूबसूरत सी पेंटिंग नज़र आएगी. दैट इज़ आवर प्लेस. सो थैंक्स टू यू गाइज, थैंक्स टू एशियन पेंट्स, एंड स्पेशल थैंक्स टू डू एंड खतरा.